आईपी है और मैं ये समझता हूँ कि पूरी खून ने जम्मू कश्मीर के सारे अवाम जो हैं वो उनका ट्राइब भी है और मैं ये समझता हूँ कि पूरी खून जो है उसके लिए ये बहुत बड़ा दमा प्रक्रिया भी है। लेकिन ब्रिक्स सोर्स नीदर वैली के जो लोग हैं उनकी बड़ी कुर्बानी है, उनने 47 में भी उसके बाद जैके बाद दीगर जितने भी हालात रहे हैं हमेशा हिंदुस्तान जो कि नीदर वैली लंबी लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको आप कहते हैं बेटर ऑफ सीज़ फायर लाइन्स वो कहते थे, तो उसमें आए दिन वहाँ पर हिंदुस्तान की फौज है वो तजावज़ भी करती है, बमबारी भी करती है, लोग जख्मी भी होते हैं, शहीद भी होते हैं। इस लिहाज से नीदर वैली के दोनों का बड़ा एक आधा मकाम है और शहादत के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी है 3700 लोग हैं या 3800, मैं समझता हूँ कि उनकी बड़ी कुर्बानी है उनके कबीलों की भी। उनका दिन मनाना जो है ये कौमी आज़ाद भी है और जितना भी हम पुरानी तहसीन पेश कर सकें ये बहुत कम है। मेरी ज़ाती राय में इस दिन को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए और असल में इस दिन को अहमियत जो हम देते हैं वो तहरीक आज़ादी कश्मीर को देते हैं। इसका मेरा रास्ता तल्लुक जो है जम्मू कश्मीर की आज़ादियों के साथ है और इसलिए आज़ाद कश्मीर हुकूमत जो है उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अवाम जो है मैं समझा कि उनकी बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो अपने जितने भी मुस्लिम हैं जिन लोगों ने इस रास्ते में जाने कुर्बान की है, शहीद हुए हैं, उनके ख़ानदान जो हैं उनकी बड़ी कुर्बानी है, उनको खराज तहसीन भी पेश करें, उनकी तारीख भी रकम करें और जम्मू कश्मीर की आज़ादी की तारीख में उनका मुकाम जो है उसको ख़ास जगह मिलनी चाहिए। इसलिए नीलम वैली के अवाम से भी मेरी इतनी हमदर्दी भी है और मैं उनकी हिम्मत जरूरत को भी दाद देता हूँ कि जिस हिम्मत के साथ वो मुकाबला कर रहे हैं आयर हिंदुस्तानी अफवाज की मदावत का, फायरिंग का, बमबारी का, जो उनका माली नुकसान भी होता है, पानी उनके तबाह होते हैं, बहुत मवेशी भी जो है उनके वहाँ ज़ाया होते हैं और उनकी ज़िंदगी जो है उसमें अमन भी नहीं है, तो आए दिन जब बदमनी पैदा होती है ये एक कुर्बानी का एक मुसलसल सिलसिला जो है चल रहा है, ये एक काबिल तारीफ भी है लेकिन तरफ खराज तहसीन भी है। तो इसलिए आज के हालात का तकाजा ये है कि पूरी कौम जो है उसको शहदाए नीदर वैली जो है उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए और जिस रास्ते पर उन्होंने अपनी जान कुर्बान की है उस मंजिल के लिए आगे बढ़ने के लिए लाए अमल भी तैयार करें ताकि हम जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के तसल्लुत से और गलबे से आज़ाद कराकर इस पूरी कौम को एक आला मकाम जो है वो इसकी किस्मत भी है, नसीब भी है, उस पर दाखिल खड़ा करें। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी।